हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इंडियन बेफेंस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के रिक्वेस्ट के कारण मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ बाकुशिन सुसानो इस बेबलेट का रिव्यू। दोस्तों, इस बेबलेट के बारे में मुझे ज़्यादा तो कुछ नहीं पता है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की। दोस्तों, पहले ही बता दूँ, ये टाकाटोमी का बे नहीं है, ये एक रैपिडिटी का बे है, इसलिए इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। इस बेबलेट को मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है। दोस्तों, ये तो एक अटैक टाइप बेबलेट है जिसका तो ओनर था टाकेडू। चलिए पहले इसे ओपन करते हैं, फिर हर एक पार्ट का रिव्यू करते हैं। दोस्तों, स्टिकर का हाल देखिए, इस पर तो ग्लू एकदम भी नहीं है, इससे तो कुछ भी किया नहीं जा सकता है। अगर इसको यूज़ करना पड़े तो एक्स्ट्रा ग्लू लगाना पड़ेगा। देखिए क्या हाल है, ये तो एकदम बैड क्वालिटी का है। ये तो एक बेसिक सा लॉन्चर आया है, ब्लैक वाला, राइट रोटेशन पे घूमने वाला, जैसा कि रैपिडिटी में आता है, एक रिपकॉर्ड लॉन्चर है ये। ये तो है एक की बेबलेट को लॉक करने के लिए। दोस्तों, ये तो सुसानो का फेस बोल्ट है, ये तो क्लियर फेस बोल्ट है, या फिर आप लोग चाहे तो वाइट भी कह सकते हैं। इस पर देखिए सुसानो का फेस प्रिंट किया हुआ है, दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, वाइट पर ब्लू, यानी स्टिकर ना लगा कर भी हम लोग काम चला सकते हैं। और ये प्लास्टिक का जैसा होता है वैसा ही फेस बोल्ट है। दोस्तों, ये तो है सुसानो का एनर्जी रिंग, ये तो मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, हालांकि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ऑरेंज और ब्लू कलर का मिक्सर है। ये शेप भी थोड़ा यूनिक है, ये एक अटैक टाइप बेबलेट है, इसलिए ये कार्प तो इस पर अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये विंड को काटने में हेल्प करेगा ये पोर्शन, तो फिर स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा, तो फिर ये स्ट्रक्चर तो अच्छा है, ये हेल्प करेगा स्पीड बढ़ाने के लिए। दोस्तों, ये तो है बाकुशिन फ्यूजन व्हील, ये तो दिखने में लगभग रॉक फ्यूजन व्हील के जैसा ही है, ये कार्बिंग छोड़कर साइज़ भी उतना ही है, दिखने में देखिए सर्कल ही लग रहा है, लेकिन शेप थोड़ा सा यूनिक है, कार्बिंग भी यूनिक है, ये देखिए स्लोप जैसा है। अटैक टाइप फ्यूजन व्हील के मामले में ये तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन है ये एक अटैक टाइप बे, काफ़ी मोटा है, हेवी भी है, लेकिन सबसे बेहतर है इसका कलर। ये वाइट कलर बहुत ही कम बेब्लेड में देखा जा सकता है, बर्स्ट में भी आप लोग देखें तो बहुत ही कम होता है। इसका कार्बिंग तो यूनिक है, लेकिन अटैक टाइप के हिसाब से ये उतना अच्छा फ्यूजन व्हील नहीं है, मेरे मुझे तो वैसा ही लग रहा है। आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन खूबसूरत है काफ़ी। दोस्तों, रैपिडिटी का प्रोडक्ट हो और गलत पार्ट ना आए, ये तो बहुत ही कम देखा जा सकता है। दोस्तों, एक्चुअली में इस बेबलेट में जो स्पिन ट्रैक होता है वो 90 स्पिन ट्रैक होता है, हालांकि 90 से तो ये दोनों बेहतर ही है, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये विंग 105 स्पिन ट्रैक है, ये अटैक टाइप बेबलेट में ही यूज़ होता है, लेकिन ये D125 स्पिन ट्रैक है जो कि डिफेंस बेस में यूज़ होता है, और ये तो एक डिफेंस बे नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर है। और दोस्तों, इसमें जो परफॉर्मेंस टिप यूज़ होता है वो तो होता है वाइट फ्लैट परफॉर्मेंस टिप, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा फ्लैट होता है, नॉर्मल मैं जो फ्लैट परफॉर्मेंस टिप यूज़ करता हूँ उससे थोड़ा सा वाइट होता है, इसलिए उसका नाम वाइट फ्लैट परफॉर्मेंस टिप है, वो इसमें होता है क्योंकि ये एक अटैक टाइप बेबलेट है। लेकिन यहाँ पर जो आया है ये तो है डिफेंस टाइप बेबलेट का, ये है वाइट बॉल परफॉर्मेंस टिप, ये तो डिफेंस टाइप बेस में यूज़ होता है। ये इसका क्वालिटी देखिए एकदम ही ख़राब, यह है मेटल का एक स्टैमिना टाइप परफॉर्मेंस टिप जैसा कि एक्स्ट्रा आता है। दोस्तों, चलिए हर एक पार्ट को जोड़ते हैं और टेस्ट स्पिन करते हैं। दोस्तों, ये तो काफ़ी एक यूनिक बेबलेट है, यूनिक अटैक टाइप बेबलेट है, चलिए देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है। मैं दो टेस्ट स्पिन करूँगा, एक टेस्ट स्पिन करूँगा इसके साथ जो परफॉर्मेंस टिप आया है, यानी वाइट बॉल परफॉर्मेंस टिप लगाकर, और एक टेस्ट स्पिन करूँगा ये फ्लैट परफॉर्मेंस टिप लगाकर, क्योंकि मेरे पास तो वाइट फ्लैट परफॉर्मेंस टिप नहीं है, इसलिए ये परफॉर्मेंस टिप लगाकर एक टेस्ट स्पिन करूँगा। स्टेडियम का कलर अगर ब्लैक होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि ये वाइट कलर का बेबलेट है। खैर, इसमें भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है घूमते हुए, ब्लू और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन काफ़ी यूनिक है, काफ़ी रेयर भी है। दोस्तों, इस पर तो वाइट बॉल परफॉर्मेंस टिप लगा हुआ है,
इसलिए इसका देख सकते हैं आप लोग स्पिन बहुत ही ज़्यादा है। काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। इसका तो स्टैमिना बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि वाइट बॉल परफॉर्मेंस टिप है। काफ़ी बढ़िया, बैटल में असली ताकत पता चलेगा। बहुत ही ज़्यादा स्टैमिना है इसका। अभी भी घूम रहा है, दूसरे स्टैमिना टाइप बेस से तो इसका ज़्यादा स्टैमिना लग रहा है, शायद इसका शेप की वजह से। मैं आप लोगों को कह रहा था ये अटैक टाइप में उतना अच्छा इसका परफॉर्मेंस नहीं होगा, ये लगता है फ्यूशन व्हील डिफेंस टाइप जैसा है क्योंकि थोड़ा सा रॉक लियोन जैसा या फिर रॉक फ्यूशन व्हील जैसा ही दिखने में है कुछ हद तक, ज़्यादा नहीं। इसलिए इसका स्टैमिना देखिए अभी भी घूम रहा है, क्या बात है, अभी भी नहीं रुका दोस्तों। अगर मैं और भी अच्छे से लॉन्च करता और लॉन्चर भी और भी अच्छा होता तो पता नहीं कितना देर तक घूमता। अभी भी घूमे जा रहा है दोस्तों, अभी भी घूमे जा रहा है, लाजवाब। स्टैमिना का तो जवाब नहीं इसका, इसे तो स्टैमिना या फिर डिफेंस टाइप बे ही होना चाहिए था, पता नहीं अटैक टाइप का तकमा इसको क्यों चिपका दिया। क्या बात है, लाजवाब लाजवाब। रैपिडिटी बे इतना ज़्यादा देर घूम रहा है ये तो बहुत ही कम देखा जा सकता है, सिर्फ ओरियन जैसा बेब्लेड में होता है। हमारा ओरायन तो सबसे ताकतवर स्टेमिना टाइप बेब्लेड है। तो फिर चलिए अब दूसरा परफॉर्मेंस टिप लगाकर टेस्ट स्पिन करते हैं। अब अटैक टाइप परफॉर्मेंस टिप में देखते हैं क्या होता है। स्टेडियम से मत निकल जाना बस, जी हाँ, छोटा बे है, मेटल बे तो काफ़ी छोटा होता है बर्स से, इसलिए वो स्टेडियम से नहीं निकलता है अगर गार्ड ना हो तो, अभी भी बैटल में निकल जाएगा। देखिए अटैक टाइप परफॉर्मेंस टिप लगाने के कारण कितना ज़्यादा एग्रेसिव हो चुका है, बहुत ही, ये तो दूसरे बेब्लेड से अच्छा लग रहा है मुझे इसका परफॉर्मेंस। स्टैमिना इसका तो कम होगा अटैक टाइप परफॉर्मेंस टिप में, लेकिन उस हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। इस पर जो विंग 105 स्पिन ट्रैक लगाया हुआ है ये बहुत ही खूबसूरत एक अटैक टाइप स्पिन ट्रैक है, मुझे तो बहुत ही पसंद है ये स्पिन ट्रैक अटैक टाइप बेस में, ये तो मतलब क्या बताऊँ, इसका चार चांद लगा देता है। देखिए स्टैमिना काफ़ी कम है अटैक टाइप के कारण, लेकिन वाइट बॉल में तो लाजवाब ही था इसका परफॉर्मेंस। ये अभी तो कुछ ही देर में रुकेगा, जी हाँ, फिर भी घूम रहा है, क्या बात है, लड़खड़ाते हुए भी घूम रहा है दोस्त, जी हाँ अब ये रुका है दोस्तों। दिखने में भी तो ये खूबसूरत है और इसका परफॉर्मेंस भी मुझे काफ़ी पसंद आया है, हालांकि ये तो एक रैपिडिटी का बे है इसलिए इसका क्वालिटी तो उतना अच्छा नहीं है टकाटमी जितना ये, इसलिए ये कभी भी टूट सकता है, लेकिन मुझे तो ये बेब्लेड काफ़ी पसंद आया है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये जो पेंट है ये एक बार दो बार या फिर तीन बार बैटल करने पर ही ज़्यादा इसका लगभग 50% निकल जाएगा कलर। दोस्तों आप लोगों को ये बेब्लेड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इस तरह का रिव्यू वीडियो या फिर बैटल वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।